वेलकम टू द चैनल जनरल रिव्यूज़ ऑफिशियल एंड दिस इज़ अमित सिंह। सो कैसे हो आप सब दोस्तों? दोस्तों एक्चुअली क्या है कि जैसा कि आपने थंबनेल में देख ही लिया होगा, आज मैं उपटन के बारे में कुछ बताने वाला हूँ, वो भी पातंजलि के। एक्चुअली ये तो सबको पता है कि यार उपटन काफ़ी पुरानी, मतलब ये एक परंपरा है जिसे हम कहते हैं कि जो सदियों से चली आई है। और मतलब उपटन से सबको पता है थोड़ा ग्लोइंग चेहरा होता है, और जो भी चेहरे पे जो गर्मी करके हमारे पिंपल्स वगैरह आ जाते हैं उससे भी काफ़ी हद तक फ़ायदा मिलता है। तो आज दोस्तों मैं जो आपके बारे में जो आपको बताऊंगा वो पतंजलि के उपटन के बारे में ऑल इन्फॉर्मेशन बताऊंगा, और जिसको मैंने ज़्यादा तो नहीं एक दो बार यूज़ किया है, बट मेरे घर में लोगों ने काफ़ी यूज़ किया है। एंड यार इससे थोड़ा फ़र्क पड़ा है तभी मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। एक बारी आप भी यूज़ करना और बताना कि आपको कैसा रिजल्ट आया, या जो लोग यूज़ करते हैं वो प्लीज़ कमेंट मी कि यार उनके लिए कुछ फ़ायदा हुआ भी है नहीं। बिकॉज़ मैं जो ये चीज़ें जो उपटन के बारे में रिव्यू लेके आ रहा हूँ वो मैंने लाइक पतंजलि की साइट पे भी देखे हुए हैं, कुछ चीज़ें कुछ वीडियोस भी देखे हैं, कुछ मैंने लाइक आर्टिकल भी पढ़े हुए हैं रिगार्डिंग उसके। सो मुझे सारा कुछ मिला के एक एग्रीगेट ये पता लगा कि यार ये काम तो करता है। और दूसरी चीज़, मैंने घर पे भी मतलब मम्मी वगैरह लगाती हैं तो मुझे पता है कि मतलब ये काम करता है। जिससे जादू तो नहीं करता कि एक ही बार में आपने लगाया और अगले दिन सुबह उठ के देखा आपने चेहरा एकदम खिल गया, सो इट डजंट लाइक दैट, बट ये काम करता है। तो दोस्तों ज़्यादा टाइम ना लेते हुए स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले एक बस आपसे रिक्वेस्ट है कि जिस दोस्त ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल, सो दैट ऐसे और मोटिवेशनल, ऐसे और इन्फॉर्मेटिव वीडियो मैं आपके सामने लाता रहूँ। तो आइए ज़्यादा टाइम ना स्पेंड करते हुए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों हर्बल स्क्रब पतंजलि बॉडी उपटन मृत कोशिकाओं को बाहर निकालता है, और एक पारंपरिक आयुर्वेदिक नुस्खा होने के नाते यह स्किन के काले निशान को हल्का करता है। यह सदियों से त्वचा को चमकदार और मजबूत बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। यह उपटन आपको स्किन पर जमी धूल और पुरानी त्वचा को साफ करने में मदद करता है। इसमें पाई जाने वाली विटामिन त्वचा में गहराई तक पहुंचकर त्वचा को अच्छे से क्लीन करता है और त्वचा को फिर से जीवंत, मतलब एक नया रूप देता है। हल्दी एक बेजोड़ चमक प्रदान करते हुए त्वचा को कीटाणु रहित, जो भी हमारे कीटाणु होते हैं उनके लिए दूर करती है। पतंजलि बॉडी उपटन का उपयोग हफ्ते में कम से कम 3 बार अवश्य करें। दोस्तों इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि पतंजलि बॉडी उपटन के क्या फ़ायदे होंगे एंड इसको कैसे हम यूज़ करेंगे, एंड पतंजलि बॉडी उपटन ड्राई स्किन पे कैसे काम करता है, फिर ऑयली स्किन पे कैसे काम करता है, और कम समय में कितना उपयोग हम करें और सो दैट जल्दी से जल्दी हमें रिज़ल्ट मिले, और फिर इसके इंग्रेडिएंट्स, और लास्ट में अपना रिव्यू भी बताऊंगा कि कैसी ये लाइक मुझे कितना इसने फ़ायदा दिया भी है या नहीं दिया है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो मैं आपको इसके फ़ायदे बता देता हूँ कि पतंजलि बॉडी उपटन के फ़ायदे क्या होते हैं। अगर आप अपनी जवानी बरकरार रखना चाहते हैं तो मैं आपको कहूँगा कि आप इस उपटन का उपयोग करें। यह आपकी स्किन को चमकदार बनाएगा, क्योंकि उपटन एक ऐसी चीज़ है जो वास्तविकता में त्वचा में निखार लाती ही लाती है। पतंजलि बॉडी उपटन की मुख्य विशेषता यह है कि यह पूर्ण रूप से प्राकृतिक सामग्री को मिलाकर बनाया गया है, और यह केमिकल से मुक्त है, इसलिए इससे आपकी स्किन को नुकसान भी नहीं होता है। पतंजलि बॉडी उपटन की सबसे अच्छी बात यह है कि इसे कोई भी खरीद सकता है, क्योंकि इसकी प्राइस बिल्कुल कम है, रीजनेबल प्राइस है। यह उपटन त्वचा को मुलायम बनाता है और इसके उपयोग से त्वचा में चिकनाहट रहती है। पतंजलि बॉडी उपटन त्वचा को हल्का करता है, त्वचा से टैन को हटाता है। अगर आप इसका नियमित उपयोग करते हैं तो यह त्वचा से काले धब्बे और हल्के निशान मिटा देता है। ये तो मेरा प्रैक्टिकली एक्सपीरियंस है। अब मैं आपको बता देता हूँ कि इसको यूज़ कैसे करना है, किस प्रकार से इसका उपयोग करना है। आप इस उपटन को 3 प्रकार से अलग अलग तरीके से उपयोग में ला सकते हैं। पहला कि पतंजलि बॉडी उपटन फॉर ड्राई स्किन। यह स्टेप उन लोगों के लिए है जिनकी स्किन ज़्यादा से मतलब काफ़ी ज़्यादा ड्राई रहती है। 2 से 3 चम्मच आप उपटन लें और इसमें कुछ बूंदें आवश्यक तेल की डालें। आप इसमें नारियल के तेल की कुछ बूंदें मिला सकते हैं। अब इसे सूखने तक 5 से 10 मिनट तक लगाएं और उसे लगा के रखें। फिर इसे नॉर्मल पानी से धो लें। ऐसा करने से आपकी स्किन जो अधिक ड्राई रहती है उसका सूखापन खत्म होने लगेगा। ये आप करके देखो और आपको 101% ऐसा ही फील होने वाला है, ये मेरी गारंटी है। सेकेंड मेथड इज़ पतंजलि बॉडी उपटन जिनकी ऑयली स्किन है। अगर आपकी स्किन अधिक ऑयली है तो आप इस उपटन में नींबू के रस या गुलाब जल की कुछ बूंदों के साथ उपटन का उपयोग कर सकते हैं।
आप दोनों चीज़ों का उपयोग एक साथ भी कर सकते हैं, लाइक नींबू और गुलाब जल दोनों मिला के भी आप इसका यूज़ कर सकते हैं। थर्ड इज़ अगर आपके पास कम टाइम है और आपको यूज़ भी करना है, लाइक आपको क्या करना है कि यह विधि समय की कमी के साथ किसी के लिए भी है, यानी कि आपको कहीं जाना है या फिर आप जल्दी में किंतु कोई फेस पैक लगाना चाहते हैं ताकि आपकी स्किन अच्छी दिखे, तो आप इसे सीधे पानी के साथ मिक्स करके लगाएं। यह अपटन आपकी स्किन को एक बहुत अच्छा नेचुरल ग्लो और त्वचा को स्मूथ बनाएगा। तो इस प्रकार से एक ही अपटन पाउडर को आप अलग अलग रूप से अलग अलग तरीके से ले सकते हैं। अब मैं आपको इसमें कुछ जो इसके इंग्रेडिएंट्स हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। अच्छी बात यह है कि इन्होंने कोई चीज़ अपनी छुपाते नहीं है, लाइक कोई भी चीज़ हाइड नहीं करते हैं, तो इससे लोगों का ट्रस्ट बढ़ता है ब्रांड के लिए। सो इसमें मिला हुआ है चिरौंजी है आपका, मसूर की दाल है, उड़द दाल है, जाऊ है, पीली सरसों है, सोयाबीन है, चावल है, बादाम है, हल्दी है एंड कपूर। तो दोस्तों देख लो ऐसी कोई भी चीज़ नहीं मिली है जो हमें नुकसान दे। अब मैं आपको एक छोटा सा रिव्यू बताता हूँ जो मुझे लगता है कि यार मेरे साथ हुआ है और सबके साथ भी होगा, मेरे घर में जिसने लगाया है उनके साथ अगर ऐसा हुआ है देन ऑब्वियसली यार सब इंसान है सबके साथ सेम ही होगा। डिपेंड इसमें तो ये भी नहीं कह सकता मैं कि स्किन टू स्किन डिपेंड करेगा, क्योंकि ये एक नेचुरल प्रोडक्ट है एंड ये फ़ायदा ही करेगा, नुकसान तो ऑब्वियसली नहीं करेगा। तो हमारे शरीर के लिए उपटन का उपयोग करना हमारे लिए नया नहीं है। इस पतंजलि बॉडी उपटन का उपयोग करने से पहले मैंने बेसन को सिर्फ बॉडी क्लींजर के रूप में उपयोग किया है। बेसन में त्वचा को निखारने के अनोखे गुण होते हैं जो मृत त्वचा को एक्सफोलिएट करता है और प्रभावी रूप से गंदी त्वचा को हटाता है। मैंने जब पहली बार इसका उपयोग किया तो मुझे बहुत ही अच्छा लगा। अगर आप इसे लगाने के कुछ समय बाद धोते हैं तो उसे उतारने में थोड़ी मुश्किल हो सकती है, किंतु जब यह स्किन से हट जाएगा तब आप पाएंगे कि यह त्वचा को मुलायम और चिकना बना देता है। तो दोस्तों मैं आपसे यही कहना चाहूँगा, एक बार इसका आप यूज़ करें क्योंकि ये स्किन को बेहतर बनाने के लिए सबसे अच्छा उपाय है। तथा साथ ही साथ इसकी खासियत यह है कि इसके लिए इसके कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है, क्योंकि यह पूर्णतः रूप से प्राकृतिक चीज़ों से निर्मित है। तो आप सभी इसे एक बार इस्तेमाल ज़रूर करें। बाकी दोस्तों एक मैं यही सलाह दूंगा कि कोई भी चीज़ लेने से पहले चाहे किसी ने बताया हो मैंने बताया हो डॉक्टर का कंसल्ट जरूर करें। अगर आपकी स्किन बहुत सेंसिटिव है या कोई भी प्रॉब्लम हो या नहीं भी हो फिर भी आप डॉक्टर से एक बारी संपर्क जरूर करें। तो दोस्तों मुझे बताइएगा आपको ये वीडियो कैसा लगा और ऐसे ही और वीडियो के लिए प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल सो दैट मैं और इससे अच्छे अच्छे वीडियो आपके सामने लाता रहूँ और आपकी इन्फॉर्मेशन और बढ़ाता रहूँ। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।